कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह मामले में कड़े रुख के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे आपत्तिजनक बताया है, और उसके साथ ही वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा में तथा कथित खालिस्तानी जनमत संग्रह मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कनाडा में घृणा अपराध, नस्ली हिंसा, भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी वजह से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सचेत एवं चौकन्ना रहने की जरूरत है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में ये भी कहा कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक और छात्र मदद पोर्टल के माध्यम से ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकरण के जरिए संपर्क कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पंजीकरण कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा में अधिक मददगार साबित होगा। विदेश मंत्रालय ने ये चेतावनी तब दी है जब अलगाववादी समूहों द्वारा किए गए तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह को कराने की मांग की जा रही हो। बता दें कि एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव अरिंदम बागची ने कहा कि खालिस्तानी जनमत संग्रह का समर्थन करने वाले चरमपंथियों और कट्टरपंथियों द्वारा किया गया ये प्रयास एक गलत विचारधारा को दर्शाता है।